स्टूडेंट्स, हमारे पास है टॉपिक 9.3 नेक्स्ट, विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो हम एक्सप्रेशन डिराइव हम करते हैं, उससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, राइट। के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर देखें तो वो क्या है, इक्वल है रेशो, रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। यानी जो साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसकी मतलब कुछ पावर जो है वो बनेगी। ठीक, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, जो नंबर्स होंगे फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट हैं उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं इस चीज़ को दोबारा आपको बताती हूँ। रेशो यानी डिवीजन है ना, दिस इज डिवीजन। रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट यानी ज़रब मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके प्रोडक्ट्स के जो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है उसके प्रोडक्ट्स के मतलब उसके प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होगा और रेज होगी, मतलब पावर न्यूमेरिकल वैल्यू उसके पावर बन जाएगी। ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ये यहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट, इसी जगह ये क्या है रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे वो प्रोडक्ट है जो रिएक्टेंट्स के कंबाइन करने के बाद बनते हैं, और यहाँ पे ये क्या है रिएक्टेंट्स का जो जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी रेस टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट और उसके प्रोडक्ट के इन दोनों के दरमियान यानी डिवीजन की का रिलेशनशिप है यानी रेशो। अब इस सारे डेफिनेशन को यूटिलाइजेशन क्या है, ये है दैट यूटिलाइजेशन ये है, लेट सपोज वी हैव अ केमिकल रिएक्शन H2+I2 विल गिव अस इक्विलिब्रियम मेंटेन है Hi and 2, राइट। अब हम इस एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, चले मैं भी शॉर्ट में नहीं लिखती, राइट। के सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन यानी एच आई रेज टू द पावर दिस टू रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एच टू। अब यहाँ पे इसके साथ तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना इधर इस एच के साथ, सो इसलिए यहाँ पे कोई इसकी पावर नहीं बनेगी एंड आई, राइट। अब आपको पता है दैट एक्टिव मास की हमेशा आप ये मोलर जो कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट हम क्या लिखते थे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लास्ट 9.2 जो टॉपिक है उसमें आपने ये चीज़ जो है वो लर्न की है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे होल पावर 2 है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर या होल पावर 2, अगेन मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, अब ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ, ए डॉट ए बेसिस सेम है तो पावर्स अगर नहीं है तो वन वन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर बन जाएगा ना। सो सेम इज द केस विद दिस, इट विल बिकम मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों सेम हैं हर लिहाज से तो ये कैंसिलेशन भी हो सकती है ना, राइट। कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा, इसकी कोई यूनिट बनी है, कोई यूनिट नहीं ना, कुछ बाकी नहीं बचा, सो इट विल हैव नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इस केमिकल रिएक्शन की। क्यों, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, What I have said, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ वाई इट कंटेन्स नो यूनिट, वेरी सिंपल। अब इसी चीज़ को मतलब इस यूनिट को मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे के समझाऊँगी, उसके बाद जो आपकी ये नोट कर लें आप, जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 9.1 एंड
9.2 एंड 9.3। ये जो आपकी एग्जांपल्स हैं आपने इसको इनको खुद से हल करना है, राइट। ये आपका क्या है, असेसमेंट होगी, ये आपका होमवर्क होगा, आप इसको होमवर्क, और लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि आपने टेस्ट योरसेल्फ खुद से करना है, वो भी आपके होमवर्क में शामिल होगा, ठीक है। मैं इसी मतलब एक और जो है, एक तो चले इसमें कोई यूनिट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी तो होंगे जिनमें यूनिट्स लास्ट पे बनती हैं, तो वो क्या, वो कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे और वो आप कैसे निकाल सकेंगे, सो हम उसको देख लेते हैं। सो इस चीज़ को अगर आप देखें तो के सी इक्वल्स टू एन एच थ्री मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और रेज टू द पावर एंड एन टू एच टू पावर थ्री। देखिए यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू साथ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स टू थ्री अटैच्ड, तो यहाँ पे हमने इसके पावर बना दी। अब इसको देखें तो मोल पर डीएम, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, लास्ट टाइम मैंने ऐसे स्लैश करके लिखा था, तो इट्स अप टू यू आप कैसे लिखते हैं, ठीक। चलिए अगर इसी को मैं यहाँ ही पे सिंपलीफाई करूँ, देखें ये दोनों क्या हैं जो अमाउंट हैं, ये सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकती हैं, ये देखें कैंसिल हो गई, ठीक। तो इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि हमने ये कैंसिल कर दी, पीछे बाकी क्या बच गया, दोबारा से स्टेप को मैं करती हूँ, वन डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। सो ये इसकी यूनिट है, अगर इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखें, मतलब एक स्टेप एक ठीक तरीके से लिखें, है तो ये भी आंसर, लेकिन जो जब और एक यहाँ पे इसको सही फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा। इससे पहले मैं आपको एक मैथ्स का रूल बता देती हूँ कि डिवीजन में अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल 1/a है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा यानी डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, इट विल बिकम -2, राइट। अगर ऊपर है ए स्केयर है या फिर सिर्फ ए है, ठीक है, जब ये कुछ नहीं है तो डिवीजन में क्या होगा, 1। जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स द डिनोमिनेटर, कुछ ऐसे केसेस में अगर इक्वेशन में मूव करवाना पड़ जाता है तो बट विल इट बिकम 1/a -1। ऐसा ही होता है ना, पावर्स जो हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ क्या आ जाएगा, पर मोल यानी मोल -1 एंड dm3 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें, मुझसे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे देखें पावर 3 थी और मैंने यहाँ पे 2 लगा दी, देखें 3 होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 पावर कैंसिल हुई है इस 3 के साथ, राइट। दोबारा से यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या था, मोल पर dm3, मैंने ऊपर देखा नहीं, गलती हो गई मुझसे, इसी तरह आप भी ध्यान रखिएगा कि आपसे इस तरह से कोई मिस्टेक ना हो, होल स्क्वायर, क्योंकि NH3 के ऊपर 7 थी उसको पावर थी, वो स्क्वायर थी। तो ये सारा 2 इस 3 के साथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या हमारे पास अमाउंट बचेगी, बाकी हमारे पास बचेगा 1/mol·dm³³ पर क्यूब, तो यहाँ पे 1 बच गया ना, इसके पावर 1, तो ये 1 पावर और ये मिलके क्या बना देंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो जब ये मूव करेगा ऊपर तो क्या बन जाएगा, मोल -2 डेसीमीटर 2, 3 = 6, -6 है तो ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +6, राइट। सो दिस वुड बी द आंसर। तो ये वो केस आ गया जिसमें कुछ यूनिट हमारे पास डिराइव होती है, राइट।